नंदू को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, और मम्मी जी के दकियानूसी सजेशंस की वजह से आधे लोग तो पार्टी में सो ही जाएंगे। उनकी प्लानिंग कितनी घटिया बेकार होती क्या बताऊं। बहू मम्मी मम्मी क्या बोली तू? पप्पू मम्मी जी के बारे में ऐसे बोलते कितनी अच्छी है मम्मी जी, इनकी प्लानिंग कितनी अच्छी होती है। बस चुप कर बहू, तेरे को बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। नंदू का जन्मदिन खानदानी संस्कारी तरीके से ही मनाया जाएगा, पहले हवन होगा। मम्मी जी ये सब तो हम हर साल करते हैं ना, क्यों ना हम इस साल कुछ नए स्टाइल में करें, कुछ धमाल करें, म्यूजिक डांस केक के साथ एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। फटे मुंह तेरे, ना खानदान की परंपरा को तोड़ दे। मम्मी जी मैं तो बस कह दिया सो कह दिया। आइडिया, कुछ दिनों के लिए मम्मी जी को किडनैप करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, बेचारे गुंडों की क्या गलती है जो मम्मी जी के साथ उनको अकेला छोड़ दो। फिर क्या करूं? अरे नहीं नहीं, चलो अंदर। आप क्या समझ रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो, मेरा एक मोटा सा पति और भयानक सी सास है जिनका पेट मुझे भरना होता है। प्लीज मुझे जाने दो। पर तूने मुझे डरा ही दिया था मिनी। देख तू मानती है ना कि मैं एक सुपर एक्ट्रेस हूँ। पर यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तूने बुर्खा क्यों पहना हुआ था? देख अब मैं एक सेलिब बन गई, अब तुझे पता है कि हम ऐसे इधर उधर घूमते हैं ना तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि फोटो खिंचवानी है, ऑटोग्राफ चाहिए। लेकिन मुझे तो तुझसे मिलना था इसलिए मुझे वो रूप लेना पड़ा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तू मेरी वही स्कूल की चंपू सी फ्रेंड है। तेरी प्रॉब्लम का ना मेरे पास एक बहुत अच्छा सलूशन है। क्या आइडिया है? सुन मैंने यहाँ 2 दिन की शूटिंग के लिए आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोड्यूसर का पेट खराब हो गया। तो 2 दिन शूटिंग डिले हो गई। तो अगर तू चाहे तो मैं तेरे हस्बैंड के बर्थडे के लिए ना तेरे घर पे आ सकती हूँ। क्या कहा तूने? सुपर स्टार? हेलो, सिर्फ सुपर नहीं, मेरा मतलब है सुपर डुपर स्टार अंकिता शर्मा मेरे हस्बैंड की बर्थडे पर आएगी। ये तो सुपर डुपर एक्सीलेंट आइडिया है। अंकिता जी वैसे मैं भी एक सुपर हिट एक्टर हूँ। अरे वाह, अब से कौन सा शो किया आपने? अब नहीं अभी तक तो नहीं किया, लेकिन जब भी करूंगा ना देखना करते ही सुपर हिट हो जाएगा। क्या बात है। वैसे अंकिता जी आप मेरी हीरोइन बनेंगी? Why not? वैसे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स को मैं मना नहीं करती। अच्छा तो उस सीरियल की स्क्रिप्ट तो मैं ही लिखूंगा, मैं आपका करियर बना दूंगा करियर। अरे क्या तुम लोग ना काम की बातें लेकर बैठ गए। अंकिता यहाँ पर मेरी मदद करने आई है कल का इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में, और 2 दिन तक हमारे साथ ही रुकने वाली है। लो जी इसमें ऑर्गेनाइज क्या करना है, सब कुछ तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। What is that? मेरे नंदू पुत्र का जन्मदिन पारंपरिक ढंग से मनाया जाएगा। सबसे पहले गीता पाठ होगा, फिर नंदू की आरती उतारी जाएगी, फिर मंदिर में जाके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, उसके बाद मेहमानों के लिए खीर पूरी की दावत होगी। अरे वाह जीजी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हा, 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 हा। मैं भी आपकी मदद करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। अंकिता तू यहाँ पर मेरी मदद करने आई हो उनकी? कल तो आने दे चंदू, फिर देखते हैं। हाय 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 हाय, आओ मम्मी जी। ओ तेरी कमाल हो गया कमाल, लो जी कितना सुंदर इंतजाम किया अंकिता ने। हाय रब्बा सद के जाए, कितना प्यारा लग रहा है मेरा लाल अपने हैप्पी वाले बर्थडे पे। अंकिता मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मेरी मदद करने आई थी या मम्मी जी की? You got it. तूने मम्मी जी की पार्टी ज्वाइन कर ली और मम्मी जी के स्टाइल का बर्थडे प्लान कर लिया। अरे लेकिन सुन मेरी। बस अंकिता मैं सब समझती हूँ, बचपन से तू मुझसे हारती आई है ना, तो तूने सोचा ये अच्छा मौका है मुझे हराने का। गुड तू जीत गई। ए बहू बहुत हो गया, वो अंकिता पर गलत इल्जाम लगा रही है। हम नंदू का जन्मदिन 2 तरीके से मना रहे हैं, पारंपरिक ढंग से भी और मॉडर्न तरीके से भी। वो देख और ये देख पंडित जी भी आए हुए हैं, फिर ये देख
हाँ चंदू, और ये सब मैंने और आंटी जी ने मिलकर किया है। मुझे माफ कर दे अंकिता, आई एम रियली सॉरी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां, खामोशियां